आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत ख़त्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फ़ायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसोई में छिपा आरोग्य का खजाना। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके किचन की तीन ऐसी चीज़ों के प्रयोग के बारे में बताएंगे जो आपको 7 तरह की बीमारियों से बचाकर आपको आरोग्य का खजाना देती है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके बताते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उपयोग में ला सकों। दोस्तों, जैसे ही मौसम में बदलाव आरंभ होता है वैसे ही तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु वातावरण में घूमने लगते हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जेब को ढीला करना पड़ता है। इस तरह से मौसमी बीमारियां शरीर को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, साथ ही आर्थिक तंगी का कारण भी बनती हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव लेना आरंभ कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बीमारियाँ आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह से हानियाँ पहुँचाती हैं, जबकि इनका इलाज तो आपके किचन में छिपा हुआ है और वो भी बहुत सस्ता। तो आइए जानते हैं कि आप किस तरह किचन की सामग्रियों का इस्तेमाल करके 7 रोगों को दूर कर सकते हो। इन रोगों से बचने के लिए आपको रसोई की 3 सामग्रियों की आवश्यकता है, जिनमें से पहली है काली मिर्च, दूसरा है नींबू का रस और तीसरा है सादा नमक। इनका उपयोग कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले 1 छोटा चम्मच नमक लेना है। उसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ही नींबू का रस मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है। ध्यान रहे, इस मिश्रण को आप गर्म पानी के साथ ही सेवन करें। ये औषधि 7 तरह के रोगों को काटती है। तो आइए अब जानते हैं कि वे 7 रोग कौन कौन से हैं जिनमें ये औषधि कारगर सिद्ध होती है। बंद नाक में आप इस मिश्रण को 1 गिलास गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार पिए। ये नाक की नली को खोलकर सूजन कम करता है और आपको आराम दिलाता है। इस दर्द में भी आपको इस मिश्रण को गर्म पानी के साथ ही लेना है, लेकिन इस बार पीना नहीं है, आपको गर्म पानी में इस मिश्रण को मिलाकर कुल्ला करना है। कुल्ला करने से इस मिश्रण के एंटीबैक्टीरियल तत्व गले के दर्द को ख़त्म कर देंगे और खांसी से भी आपको राहत दिलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पथरी की समस्या से परेशान है तो उसे इस मिश्रण की 1 चम्मच की मात्रा को 1 चम्मच जैतून के तेल में मिलाना है और दिन में 2 बार उसका सेवन करना है। इसका सेवन नियमित रूप से करें, तभी आपको पथरी की समस्या से निजात मिलेगी। मोटापे को दूर कम करने के लिए आप इस मिश्रण को 1 चम्मच शहद के साथ मिला लें और गर्म पानी के साथ उस मिश्रण का सेवन करें। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और मोटापा कम होता है। दांतों के दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको इस मिश्रण को 1 गिलास पानी में मिला लेना है और फिर उसे कुल्ला करना है।
छठा रोग फ्लू बगाए। इस मिश्रण में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो वायरस और रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर आप इस मिश्रण को एक चम्मच शहद के साथ लेते हैं तो ये आपको फ्लू जैसे रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। नमक, काली मिर्च और नींबू के इस मिश्रण से पेट के मरोड़े और एसिडिटी भी दूर होती है। तो दोस्तों, आप भी आज से ही इस मिश्रण को एक गिलास गर्म पानी के साथ सेवन करें ताकि आप भी एसिडिटी जैसी समस्या से मुक्ति पा सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बाकी ज़रूरतमंद व्यक्ति भी इस वीडियो में बताए उपाय का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो फ्रेंड्स।